नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर 18 फरवरी 2021 के बारे में। 18 फरवरी 2021 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीज़ आपको करनी है और क्या चीज़ करने से आप सभी को बचना है, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आइए बात करते हैं 18 फरवरी के बारे में। पहला नंबर जो आता है आपका 8+1 9 नंबर। पहला नंबर आता है आपका 9 नंबर। कंबाइंड कैलकुलेशन जब हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो कंबाइंड कैलकुलेशन देखिए क्या आती है, 9, 10, 11, 5, 16, 6+1 आता है आपका 7। तो पहला नंबर जो आया आपका 9 नंबर मंगल का नंबर, दूसरा नंबर जो आया आपका 7 नंबर केतु का नंबर, और दिन आपका है गुरुवार का दिन, थर्सडे का दिन। यहां पर दोस्तों ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जब कैलकुलेशन कर रहे हैं यहां पर, तो हमें दिखाई देता है कि ये जो दिन है ये बड़ा ही अप डाउन वाला दिन है, बड़ा ही असमंजस कंफ्यूजिंग दिन रहेगा आप सभी के लिए। बहुत ज्यादा क्लियर विजन, क्लियर थॉट आने के चांसेस कम दिखते हैं थोड़े से। यहाँ पर मन में कुछ घबराहट सी भी हो सकती है, ऐसे चांसेस बनते हैं। किसी चीज को लेके डर महसूस हो सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इस चीज में, इस दिन में एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप सभी को बहुत ही ज्यादा संयम रख के काम करना है, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, और साथ ही साथ आपको आलसी नहीं होना है। जी हाँ, लेजीनेस नहीं आनी चाहिए। यहां पर लेजीनेस आपकी आई और यहां पर आपकी दिक्कतें शुरू होगी, शनि की मार पड़ेगी और गुरु खराब हो जाएगा और आपका पूरा दिन एक ही झटके में बिल्कुल ही यहां पर बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, पूरा दिन आपको एक्टिव रहना है, लेजीनेस नहीं आनी चाहिए। इधर लेजी हुए और उधर आपने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार दी, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि ये जो दिन रहेगा ये आप सभी के लिए, जैसे मैंने कहा कंफ्यूजन वाला दिन रहेगा, तो वहां पर आपको क्या करना है, अपने आप को कंफ्यूज होने से बचाना है, अपने आप को शांत रखना है, हर चीजों में थॉट अपना क्लियर होना चाहिए। अग्रेशन में आके, ओवर कॉन्फिडेंस में आके और ओवर स्मार्ट बन के कोई काम नहीं करना है, ये बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। गुस्से में गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं चलानी है और पूरे दिन गाड़ी चलाते समय सावधानी आपको जरूर से रखनी है, नहीं तो वहां पर आपको दिक्कतें हो सकती है, परेशानियां यहां पर महसूस हो सकती है। ये जो दिन रहेगा ये आपके काम को कहीं ना कहीं रोकने का दिन है, आपके काम को कहीं ना कहीं एक जगह पर ब्रेक लगाने का दिन है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आपका काम रुक ना जाए, कहीं पर भी काम अटक ना जाए, कहीं पर भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वो सभी लोग जो नौकरी करते हैं बहुत संभल के दिन निकालें, सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अनबन हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है और उसके कारण से आपकी नौकरी पर भी खतरा आ सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे। इसीलिए आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान यहां पर रखना है कि मुझे इस दिन को बहुत आराम से यहां पर निकालना है। ये जो दिन रहेगा दोस्तों, इस दिन में स्टूडेंट्स को, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन्हें विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है। उनके माइंड में काफी ज्यादा असमंजस रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगा, घबराहट रहेगी और उसके कारण से उनकी स्टडी पर इफेक्ट पड़ सकता है, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। कहीं पर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ी सी सावधानी यहां पर जरूर रखनी है, ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको ना हो पाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस दिन कोई भी काम कर सकते हैं, किसी काम की रुकावट नहीं है, किसी काम की मनाही नहीं है, कोई काम आपको छोड़ना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं देश और विदेश में। देश और विदेश में भी देखा जाए दोस्तों, तो ये जो दिन रहेगा ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन देने वाला दिन रहेगा। जी हाँ, कुछ घटनाएं घट सकती हैं, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। कहीं पर भी आग लगने की घटनाएं या टेररिस्ट अटैक होने की घटनाएं घट सकती हैं, ऐसे चांसेस यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। ये जो चांसेस है ये मुझे उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होते हुए थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं, तो पूरे विश्व में कहीं पर भी उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ऐसे चांसेस यहां पर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अमेरिका में तूफान की रफ्तार बढ़ जाएगी, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। जो स्नोफॉल वहां पर हो रहा है, जो आपको याद होगा कि मैंने बहुत पहले कहा था कि अमेरिका में बर्फबारी ज्यादा हो सकती है, वो हो रही है अभी और वो और ज्यादा भारी हो सकती है कल के दिन, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये कैलकुलेशंस दिखाती है कि आप सभी को थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आराम से रहने की ज़रूरत है और आध्यात्म से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ना मिले, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले और चीज़ें आपकी अच्छी होती जाए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आगे बताता हूँ।
सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गाड़ी चलाते समय मुझे पूरी तरह से सावधानी रखनी है। गाड़ी नहीं चलानी है तो अवॉइड कर दें या फिर बहुत संभल के चलाएं, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, नॉनवेज का ग्रहण नहीं करना है। अगर पॉसिबल हो पाए तो ये एक दिन बिना खाए रह जाए नॉनवेज, आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि नॉनवेज की कैलकुलेशन बहुत अच्छी नहीं आती है। ना ड्रिंक करें, ना नॉनवेज खाएं, और ना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हों, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आइए बात करते हैं अचूक उपाय की, कि क्या अचूक उपाय आपको करने हैं जिससे कि आपको फायदा मिले। उससे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं, 22 फरवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एस्ट्रोलॉजी के नए बैचेस। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या ज्योतिष में रुचि रखते हैं या सीखना चाहते हैं कि कैसे ज्योतिष काम करता है, आखिर कैसे ज्योतिष आगे जाता है, तो आप बेसिक की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक ज्योतिष आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, 3 महीने का कोर्स होता है और वीक की 3 क्लासेस होती हैं। मैं 22 फरवरी से इसको स्टार्ट कर रहा हूं। आप इसको जब भी ज्वाइन करना चाहें मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मैं आपको आगे मदद कर दूंगा। इसके अलावा मैं जो भी उपाय आप सभी को बताता हूँ, ये सारे के सारे उपाय आप बिना झिझक के कर सकते हैं, बिना टेंशन के कर सकते हैं, और इन उपायों को करने से आपको कोई भी नुकसान, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, ज्योतिषन वास्तु बिना स्पेस के एक ही साथ लिखना है, और मेरा फोटो आएगा, मेरा चैनल आएगा ज्योतिषन वास्तु, आपको इसको ज्वाइन करना है ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं अचूक उपाय की, कि क्या अचूक उपाय आपको थर्सडे के दिन करना है, गुरुवार के दिन करना है, 18 फरवरी के दिन आपको ये उपाय करने हैं। चलिए सबसे पहला उपाय, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया नॉनवेज नहीं खाना है, तो कोशिश करिए इस खाने में आप जो भी चीज़ खाएं उसमें थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा डाल दें। जी हाँ, खाने में थोड़ी सी हल्दी का सेवन ज़्यादा करिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, खाने का टेस्ट बिगड़ जाए, बट जितनी आप डेली डालते हैं उससे 0.1% ज़्यादा डाल दीजिएगा, ज़रूरी है आप सभी के लिए, अच्छा रहेगा। सुबह सुबह हल्दी वाला दूध अगर पी पाएँ तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आप सभी के लिए, ये कर लीजिएगा, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ बाहर जब भी आप जाते हैं, बाहर कुछ काम से जा रहे हैं, तो वाइट कलर को आपको अवॉइड करना है। आप क्रीम कलर पहन सकते हैं, आप येलो कलर पहन सकते हैं, बहुत ही शानदार रहेगा अगर आप येलो पहन ले, या नींबू कलर पहन ले, या आप क्रीम कलर पहन ले, तो वाइट नहीं पहनना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा केसर का टीका अपने माथे पर ज़रूर लगाना है दोस्तों, केसर का टीका लगा के ही बाहर जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और जो भी काम करें अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करें मन में, उसके बाद उस काम के लिए तैयार हों, उस काम को करने की कोशिश करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। अग्रेशन कंट्रोल में रखना है, इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप गुस्से में नहीं आएंगे, ओवर अग्रेसिव नहीं होंगे, और पूरे दिन में जहाँ पर भी घबराहट हो हनुमान चालीसा का चांट कर लीजिएगा, इससे आपको अच्छा मिलेगा। या फिर जब भी घबराहट हो, जब भी लगे कि मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कोई भी टॉफ़ी ले लीजिए, कोई चॉकलेट ले लीजिए, या मीठा कुछ भी, स्पेशल चॉकलेट हो, या फिर आपका हनी हो, या फिर आपका जैगरी गुड़ हो, तो ये आप खा लीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, माइंड आपका डाइवर्ट होगा और आपको काम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आज पूरे दिन एक टॉफ़ी अपने साथ ज़रूर रखिएगा, ताकि जब भी मौका मिले या जब भी परेशान हो आप उस टॉफ़ी का सही इस्तेमाल कर पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि दिन आपका अच्छा जाएगा, और इस दिन आप पूरे दिन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और बहुत ही अच्छे से इस दिन को आप निकालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।